लेटस डिस्कस अबाउट द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव नेचर ऑफ द प्रॉपर्टीज कोई प्रॉपर्टी इंटेंसिव है या वो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है इसको uh, कुछ कॉमन एग्जांपल्स से फंडामेंटल डिस्कशन के थ्रू समझते हैं देखिए सबसे पहले व्हाट इज अ प्रॉपर्टी व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज वॉट इज अ प्रॉपर्टी एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम सिस्टम की कोई भी खासियत एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एज द प्रॉपर्टी So, whatever represents something about the system, we call it as property. Ham usko system ki property bolte. Now, what can be a property? Thermodynamics may a chemistry may, what can be the basic properties? Temperature is a basic property, pressure is a basic property, volume is a basic property, energy is a basic property, density is a basic property. But generally, we struggle in deciding whether the property is intensive or extensive property intensive or hai, extensive hai, we struggle in deciding it so how we can decide whether a property is intensive or extensive let us try to understand so dekho, <clears throat> if we see if we see the uh, property of the system is the characteristic of the system as i have just told you and what represents something about the system examples we have already taken

इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो है जो सिस्टम के कितने मास को लिया गया हाउ मच मास ऑफ सिस्टम यू हैव टेकन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन दैट इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ़ सिस्टम अंडर कंसीडरेशन बट दिस इज द डेफिनेशन हाउ वी कैन अंडरस्टैंड वॉट डज दिस एक्चुअली मीन एन सिस्टम लेटस सी थ्रू एन एग्जाम्पल सपोज यू आर सिटिंग एट होम यू आर स्टडींग इन यूर स्टडी रूम आप पढ़ रहे हैं अपने स्टडी रूम में एंड यूर मदर कॉल्स फ्रॉम द किचन कॉल्स मीन शी शी शाउट योर नेम एंड शी सेटेंट आई वॉन्ट यू टू कम टू द किचन बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप किचन में आ जाओ सो यू सेड मदर आई एम स्टडिंग मैं पढ़ रहा हूं मम्मी एंड आई डोंट वॉन्ट टू गेटअप सो प्लीज वॉट एवर यू वॉन्ट टू वास्क आपको कुछ भी पूछना हो You can come here. I don't want to discontinue my study because I am focusing. Fine, your mother said fine. So she came to uh, the room where you were studying. In her hand, she had a bowl of curry prepared. So she said, As you are already aware, there are guests coming for dinner. एंड आई हैव वर्क वेरी हार्ड मैंने खाना बनाया है डिनर बनाया है आई एम जस्ट एंशियस आई वॉन्ट यू टू चेक एंड टेल मी हाउ इज द टेस्ट सॉल्ट एक्सेट्रा नमक वगैरह सब ठीक है हाउ इज द टेस्ट जस्ट अ कंफर्मेशन इज वॉट आई वॉन्ट एंड देन आई विल नॉट डिस्टर्ब यू आई नॉट डिस्टर्ब यूट फाइन फाइन इफ दिस इज दिंग शी हैड अ करी सम करी इन अ बाउल यू टुक वन स्पून आपने एक चम्मच लिया यू टेस्टेड एंड यू सेड फाइन द करी टेस्ट इज फाइन टेस्ट सही है सॉल्ट एक्सेट्रा इज फाइन नमक ठीक है नाउ प्लीज डू नॉट फर्दर डिस्टर्ब मी आई एम फोकस्ड इन माय स्टडीज शी लेफ्ट शी वाज हैप्पी एंड बिकॉज यू वांटेड हर टू लीव बिकॉज यू वर स्टडी यू सेड द टेस्ट इज वेरी वेरी गुड बहुत अच्छा टेस्ट है सो प्लीज नाउ लेट मी स्टडी

लास्ट टाइम आखिरी बार मैंने बोला था कि आखिरी बार है नाउ अगेन बिकॉज यू आर आस्किंग समथिंग सो लेटमी टेल यू दैट आई विल नॉट बी कमिंग टू द किचन मैं किचन में नहीं आ रहा हूं इफ एट ऑल यू आर सी इट इज दास्ट थिंग प्लीज कम हियर एंड आस्क आई विल नॉट बी एबल टू कम टू द किचन एंड दिस विल बी दास्ट थिंग आखिरी बात होगी विच यू आर आस्किंग शी केम अगेन इन द रूम हैविंग द सेम बॉल

So you said that where is the curry which you have prepared? आपने जो सब्जी बनाई वो है कहाँ? भई मैं कैसे बताऊँ? How will I tell that the curry will be sufficient for so and so people? How I will be able to tell that? Where is the curry which you have prepared? So she said, she said when I asked you the taste, जब मैंने आपसे taste पूछा था, I did not bring the entire curry. मैं पूरी सब्जी तो नहीं लेके आई. When I asked you the taste

ड मदर यू शुड अंडरस्टैंड यू शुड अंडरस्टैंड दैट द टेस्ट दैन यू आर आस्किंग टेस्ट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी टेस्ट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जब आप मुझसे टेस्ट पूछते हो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन समझो इस बात को टेस्ट मास ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन से बट मास चाहिए how much mass you are taking it doesn't matter what the people understand through this statement is generally kya hota hai log is statement se ye samajhte hain ki mass hi nahi hona chahiye independent property mein mass hi nahi aana chahiye that is not correct independent जो intensive property है लोग ये सोचते हैं कि independent ऑफ mass का मतलब है mass ही नहीं आना चाहिए that is not correct वो सही बात नहीं है

हाउ मच स्पून यू ईट कितने चम्मच आप खाते हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा वॉट इज दिच यू आर गोइंग टू कन्वे कौन सा टेस्ट क्या टेस्ट है कैसा टेस्ट है जो आप कन्वे करोगे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट सो इंडिपेंडेंट ऑफ मास नहीं इंडिपेंडेंट ऑफ मास नहीं इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ दिस्टम अंडर कंसिडरेशन सिस्टम का कितना मासिडरेशन में लिया है

वॉल्यूम इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है वॉल्यूम इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो टिल आई डू नॉट सी दिस्टम एंटायर सिस्टम आप अगर मुझे एक कटोरी सब्जी बताओगी तो आई विल बी एबल टू टेल ओनली अबाउट दैट माई आंसर विल डिपेंड ऑन हाउ मच सिस्टम आई सी वॉल्यूम एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका आंसर डिपेंड करेगा मैं कितना सिस्टम देख रहा हूं सो हाउ मच ऑफ द सिस्टम इज एक कटोरी सब्जी बताओगे तो आई विल से नहीं बनाया मैंने बनाया तो बहुत सारा है तो आप कहोगे भाई वॉट एवर इज शोन टू मी आई विल बी एबल टू आंसर ओनली अकॉर्डिंग टू दैट बात समझते हो इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी

सिस्टम सिस्टम कैसा है हाउ द सिस्टम इज हाउ द सिस्टम इज कैसा है कैसा हाउ द सिस्टम इज कैसा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मच द सिस्टम हाउ मच द सिस्टम इज हाउ मच मतलब कितना है कितना हाउ मच द सिस्टम इज हाउ मच द सिस्टम इज कितना है बट इफ यू वॉन्ट इंटेंसिव और एक्सटेंसिव अरे यू शुड हैव सम मास कुछ तो मास लोगे ना इन दैट यू विल बी फाइंडिंग आउट दी प्रॉपर्टी उसी में तो प्रॉपर्टी फाइंड आउट करोगे बट हाउ मच मास यू हैव टेकन विल डिटरमाइन हाउ मच वैल्यू यू विल टेल हियर बट कितना मास आपने सिस्टम लिया उसका यहां फर्क नहीं पड़ेगा अब आप देखो इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस पर्सपेक्टिव अगर हम इस समझ से आगे बढ़े तो वेरी इजीली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड जैसे जैसे टेंपरेचर प्रेशर डेंसिटी थर्मल कंडक्टिविटी ये सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है वॉल्यूम एनर्जी इंटरनल एनर्जी समझाता हूं जो बात वट एवर आई अ सिस्टम एक सिस्टम में अप्लाई करते हैं और देखते हैं कैसे इस बात को हम समझ सकते हैं देखो वी हैव कंटेनर एक कंटेनर है हमारे पास एक कंटेनर है जनरल एग्जाम्पल इज गिवेन इन दी बुक्स बुक्स में जनरल एग्जाम्पल दिया होता है कि प्रॉपर्टीज इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है, है हम कैसे डिसाइड कर सकते समझो वी है लेट अस से एयर इन सिस्टम हमारे पास इस सिस्टम में एयर है हमारे पास इस सिस्टम में एयर है अब आप सोचो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसको इट मैटर हाउ मच सिस्टम यू टेक फॉर सिस्टमेशन कितना सिस्टम आपने consideration के लिए लिया अगर टेम्परेचर टी है अगर टेम्परेचर टी है इस कंटेनर में गैस का तो इफ यू टेक हाफ ऑफ द गैस आप आधी गैस लेके टेम्परेचर निकालो इट विल कम आउट टू बी टी आप आधी गैस लेके टेम्परेचर निकालो इट विल कम आउट टू बी टी और यू टेक द एंटायर कंटेनर इनटू कंसीडरेशन आप पूरे कंटेनर को कंसीडरेशन में लो कि विल स्टिल कम आउट टू बी टी टी ही आएगा तो आपने कितने मास को देख के निकाला हाउ मच मास यू कंसीडर्ड फॉर फाइंडिंग आउट द देशर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा इफ वी टॉक अबाउट प्रेशर अगर हम प्रेशर की बात करें अरे प्रेशर प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया फोर्स अपॉन एरिया तो कितनी फोर्स लग रही है उससे मतलब नहीं है यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स लग रही हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन ऑन यूनिट एरिया प्रेशर प्रेशर डिपेंड्स दैट डिपेंड करता है तो प्रेशर कैसे भी निकालोगे जब कंटेनर में आप वेन यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द प्रेशर यू विल अप्लाई अ प्रेशर गेज यू विल अप्लाई अ प्रेशर गेज यू विल अप्लाई अ प्रेशर गेज आप प्रेशर गेज अप्लाई करोगे यू विल अप्लाई अ प्रेशर गेज तो प्रेशर गेज जब आप जब अप्लाई करोगे

सिस्टम इज यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सिस्टम है सो वॉट एवर वॉट एवर सैंपल यू टेक आधी गैस को लेके, आधी गैस को बीच में पार्टीशन लगा दो जस्ट पुट अ पार्टीशन एंड मेजर द प्रेशर रिमूव दार्टीशन एंड मेजर द प्रेशर द प्रेशर विल कम आउट टू बी सेम प्रेशर सेम आएगा वॉल्यूम अगर हम वॉल्यूम की बात करें वॉल्यूम अलग अलग आएगा प्रेशर इज नॉट डिपेंडेंट टेम्परेचर डिपेंड नहीं कर रहा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है हाउ मच मास यू हैव टेकन प्रेशर डिपेंड नहीं कर रहा प्रेशर इज नॉट डिपेंडिंग क्यों क्योंकि एरिया आधा करोगे तो फोर्स भी आधी होगी एरिया भी आधा हो जाएगा तो प्रेशर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा देन इफ वी टॉक अबाउट डेंसिटी डेंसिटी दिस इज वेयर मेनी पीपल गेट कंफ्यूज्ड बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पीपल थिंक दैट लोग ये सोचते हैं थिंक दैट लोग ये सोचते हैं कि मास से इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड डेंसिटी के फॉर्मूले में वी हैव मास मास है डेंसिटी इज मासन वॉल्यूम डेंसिटी इज मासॉन वॉल्यूम इफ आई टेक ओनली लेफ्ट हाफ लेफ्ट वाला हाफ अगर मैं कंसिडर करूं इफ आई टेक ओनली दाफ लेफ्ट so हाफ के लिए अगर मैं डेंसिटी निकालूंगा लेफ्ट हाफ के लिए सो इफ द टोटल मास इज एम बी मास विल बिकम एम बाई टू इफ टोटल वॉल्यूम इज वी दॉल्यूम विम वी बाई टू तो ये आ जाएगा एम बाई वी दैट मीन्स दैट मीनस इफ यू फाइंड आउट देंसिटी और इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट दी डेंसिटी अगर आप डेंसिटी निकालने की कोशिश करो अगर आप डेंसिटी निकालने की कोशिश करो पूरे कंटेनर का मास लेके एंडी टोटल वॉल्यूम वट एवर यू विल गेट जो आपको मिलेगा सेम सेम डेंसिटी यू विल गेट वही डेंसिटी आपको मिलेगी इफ यू टेक हाफ ऑफ दी मास आधा कंटेनर लोगे मास भी आधा हो जाएगा वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा वॉल्यूम विल आल्सो बिकम हाफ वॉल्यूम भी हाफ होगा तो वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है इट इज डिपेंडिंग ये डिपेंड कर रहा है हाउ मच मास ऑफ द सिस्टम वी हैव टेकन फॉर अवर कंसिडरेशन अपनी एनालिसिस के लिए कितना मास हमने लिया इस बात पे डिपेंड करता है सो वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बट डेंसिटी डेंसिटी इंटेंसिव है आप पूरा मास लेके निकालो तब भी वही आएगी आधा मास लेके निकालो तब भी वही आएगी सो डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी थर्मल कंडक्टिविटी वेन एवर थर्मल कंडक्टिविटी इज मैं जब भी थर्मल कंडक्टिविटी बोला जाता है बोलते आयरन की थर्मल कंडक्टिविटी इतनी है यू डोट से वन के जी आयरन थर्मल कंडक्टिविटी एंड इफ आई टेक टेन के जी थर्मल कंडक्टिविटी विल बी इन टू टेन ऐसा नहीं बोलते हम आयरन थर्मल कंडक्टिविटी इज दिस सो आप मास बताओ या ना बताओ उससे फर्क नहीं पड़ रहा दी प्रॉपर्टी वेदर यू कैलकुलेट फॉर वन के जी टेन के जी ट्वेंटी के जीवन इट डजेंट मैटर उससे फर्क नहीं पड़ेगा थर्मल कंडक्टिविटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी सेम इज विस्कोसिटी सेम इज विस्कोसिटी विस्कॉसिटी सो विस्कोसिटी ऑफ वॉटर पानी की विस्कॉसिटी विस्कॉसिटी ऑफ वॉटर इज दिस सो इट डजेंट मैटर इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि वेदर यू आर टेलिंग अबाउट वन के जी ऑफ वॉटर और टेन के जी ऑफ वॉटर और ट्वेंटी के जी ऑफ वॉटर सो वॉट एवर वॉट एवर इज इंडिपेंडेंट हाउ मच मास यू आर टेकिंग फॉर कंसिडरेशन जो कुछ भी इंडिपेंडेंट है कि कितना मास लिया आपने कंसिडरेशन में उससे मास तो लेना ही पड़ेगा यू विल टॉक अबाउट यू विल टॉक अबाउट टेम्परेचर कंसिडरिंग सम मास प्रेशर कंसिडरिंग सम मास डेंसिटी कंसिडरिंग दिस दिस कंसिडरिंग सम मास सो वी विल हैव ऑल दीस थिंग्स इंटेंसिव विच आर इनडिपेंडेंट ऑफ हाउ मच मास यू है And extensive depends on Kitana, how much, how much volume value you are telling the volume of this studio is different. the entire building is different. So how much you have taken, it will determine how much air you have taken, it will determine how much is the volume. So if I take half of this, the volume is this much. If I take full of this, volume is this much. So volume is an extensive property.

सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल एनर्जी अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है मास आधा कर दो आधी एनर्जी हो जाएगी मास दुगना कर दो यू विल हैव डबल दी एनर्जी 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 दुगनी हो हो जाएगी बात समझते सो इंटरनल इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एनथेल्पी एनथेल्पी इज बेसिकली एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी सो आई विल नॉट गो इन टू डिटेल्स ऑफ वॉट दी इज हियर बट एंथेल्पी में इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी आ रहा है इट इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मच सिस्टम इज कितना सिस्टम है उस बात पे डिपेंडेंट है सो वी कैन अंडरस्टैंड हम ये समझ सकते हैं कि व्हेन वी हैव टू जज हमें जज करना है इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ओनली वन थिंग वी शुड हैव इन अवर माइंड सिर्फ एक चीज हमारे दिमाग में होनी चाहिए दैट इट इज इनडिपेंडेंट ऑन हाउ मच मास ऑफ द सिस्टम वी आर टेकिंग अगर हम कुछ मास लेके प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं हाउ मच दैट मास इज वो कितना मास है इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है इफ इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन दैट इंटेंसिव अगर डिपेंड कर रहा है इट इज एक्सटेंसिव डिपेंड नहीं कर रहा है इंटेंसिव डिपेंड कर रहा है इट इज एक्सटेंसिव सो दिस इज हाउ वी कैन वेरी इजिली अंडरस्टैंड हम बहुत इजिली समझ सकते हैं वॉट द Uh, nature of the property is. So, uh, whatever I have discussed, if you want to note down, I mean, if you want to have a note of this. So, just I will show you this on the screen and you can take a note of this also. And uh, fine, so let me show this also here. So, we just try to understand how, in the very simple terms, we कैन फाइंड आउट वेदर अ प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव और द प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव बिफोर वी एंड लेट बी जस्ट आस्क यू वेन द ब्लड टेस्ट इज परफॉर्म जब ब्लड टेस्ट परफॉर्म किया जाता है तो जो रिपोर्ट आती है द रिपोर्ट विच कम्स डज इट डिपेंड ऑन हाउ मच ब्लड वॉज टेकन फ्रॉम योर बॉडी क्या इस बात पर डिपेंडेंट है कि कितना खून निकाला गया था आपकी बॉडी से नहीं बिकॉज द ब्लड दे वॉन्ट टू उ द्लड इज क्वालिटी बताना चाहते हैं क्वानिटी नहीं बताना चाहते यू गेट टेस्टेड फॉर योर ब्लड टू अंडरस्टैंड द्वालिटी ऑफ यूर ब्लड क्वान्टिटी भी इंटरेस्टेड नहीं हुआ आप देर फॉर ऑल दिटेल्स ऑफ ब्लड टेस्ट रिपोर्ट ब्लड टेस्ट की जब रिपोर्ट बनती है उसकी सारी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव होती है